और उस हत्याकांड का जो सच है वो बड़ा भयानक है, और उसके माध्यम से पूरे देश की जनता को और एक समाज विशेष को डराने की बड़ी घिनौनी साजिश है। क्योंकि सतपाल मलिक साहब ने जिस तरह से पुलवामा कांड को लेकर सवाल उठाए हैं, उससे मोदी पूरे तरह से घेरे में आ गए। सवाल उठने लगे, सरेआम मीडिया के सामने कत्ल हो रहा, तो क्या ये कानून का राज है? ये कानून का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है, ये गुंडों का राज है। पकड़ के लाते हैं, कनपट्टी पर रख के गोली मारते हैं, उसे एनकाउंटर दिखाते हैं। एनकाउंटर होते हैं मुठभेड़, मुठभेड़ के लिए चाहिए कलेजा, और कलेजा है नहीं। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, आप सब लोग कवर भी कर रहे हैं, यही बात हम लोगों के बीच में लगातार रख रहे हैं। और ये समस्या उस समय भी गंभीर हो जाती है कि पहले से ही ईवीएम जो बहुत बड़े संदेह के घेरे में है, उस पर कितने ही सवालिया निशान खड़े हैं, आंखों के सामने ईवीएम में फिर भी जनता की वोटें लूट ली जाती हैं, और अब 6 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जानकारी होगी कि इस देश में इस कोरोना से पहले 18 करोड़ प्रवासी मजदूर थे। आप समझते, प्रवासी मजदूर यानी कोई व्यक्ति अगर बिहार का और देश के किसी और राज्य में काम करने जाता तो वो प्रवासी कहलाता है, प्रवासी मजदूर कहलाता है। इसी तरह से देश में अलग अलग जगह पे जाते तो 18 करोड़ थे, लेकिन कोरोना काल पिछले 2 साल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार चला गया। सरकार को उनके रोजगार की फिक्र नहीं है, सरकार को वो 6 करोड़ वो हैं प्रवासी मजदूर, उनकी वोट कैसे लूट ली जाए, उसके लिए ये जो मशीन लाई जा रही है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ईवीएम मशीन, वो जो मुद्दा है वो एक और भी खतरनाक मुद्दा है। तो इसी तरह से जो मुद्दे हैं उनके विषय में हम लगातार चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज का किया है ताकि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया जा सके और आने वाले समय के लिए, जो कठिन समय आने वाला है, उसके लिए लोगों को तैयार किया जा सके। या शाइस्ता का पीछा करना हो, इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं और साथ में जो मीडिया ट्रायल चल रहा है? नहीं, जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो भांड मीडिया है, वो तो मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो भाजपा की, यूं कहो कि मोदी की दलाली कर रहा, और क्या कर रहा है उनका, तो वो तो उनका एजेंडा है, वो मीडिया नहीं रहा, वो भाजपा का मोदी सरकार का स्पोक्समैन बन गया, प्रवक्ता बन गया, तो उनके लिए काम कर रहा है, तो उसकी नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए काम कर रहा है वो। बात बाकी मीडिया की जिसकी बात कर रहे हो आप लोगों की, मैं समझता हूँ उस पर मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, उसके सच को जानने की कोशिश की जा रही है, और उस हत्याकांड का जो सच है वो बड़ा भयानक है, और उसके माध्यम से पूरे देश की जनता को और एक समाज विशेष को डराने की बड़ी घिनौनी साजिश है। आप कल्पना कीजिए कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो यूपी पुलिस है, उसने कहा कि अतीक अशरफ और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक इसी तरह से हाई कोर्ट में उन्होंने कहा, और उस सबके बावजूद अत्याधुनिक हथियारों से लैस यानी AK-47 से लैस 20 सुरक्षाकर्मी उनके बीच में आके 3 लोग सरेआम कत्ल कर देते हैं, और जब वो कत्ल करते हैं, आप सबने देखा होगा वीडियो, उनको मार के उन पर लगातार गोली चला रहे, 30 राउंड गोली चली यानी 30 गोलियां चली हैं, लेकिन जो 20 पुलिस वाले हैं उनमें से किसी एक ने भी अपनी पिस्टल या अपनी AK-47 तक अपना हाथ पहुंचाने की या पिस्टल को निकालने की कोशिश नहीं की है। मतलब 3 आके लोग इस तरह से सरेआम मीडिया के सामने कत्ल करते हैं, आप समझ रहे हैं क्या क्या उन लोगों ने, जैसे बात कही जा रही है कि साहब हमने फेमस होने के लिए क्या किया, उनका है, लोग डरते हैं कहने से, लेकिन मैंने बार बार मीडिया के सामने कहा और आज फिर कह रहा हूं, ये सरकार द्वारा कराया गया, जानबूझकर कराया गया कत्ल है, और ये इसलिए कराया गया क्योंकि सतपाल मलिक साहब ने जिस तरह से पुलवामा कांड को लेकर सवाल उठाए हैं, उससे मोदी पूरे तरह से घेरे में आ गए। सवाल उठने लगे कि भाई पुलवामा कांड तुमने कराया, तुम वहां अपनी मौज मस्ती ले रहे, तुम कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि 4-5 घंटे जिम कॉर्बेट पार्क में प्राइम मिनिस्टर का जो फोन ही ना मिले, संभव है क्या? सर आप कह रहे कत्ल हुआ है, बिल्कुल कत्ल हुआ है, वध हुआ है, वध, हाँ यही जो भाषा बोल रहे हैं, यही भाषा देश के लिए बड़ी खतरनाक है। जिस वध की बात कर रहे हैं ना, अगर ये लोग वध करने पर उतर आए जिनके वध की बात कर रहे हो आप, फिर आपको मैं समझता हूँ देश की धरती भी कम पड़ जाएगी भागने के लिए। तो इसका मतलब साफ है जो मैं कह रहा हूँ कि वो सरकार द्वारा कराया गया कत्ल है। भाई अगर वो इस भाषा को बोल रहे हैं कि वध किया है, तो मतलब साफ है कि योगी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा
जानबूझकर कराया गया कत्ल है। वही तो बात मैं भी कर रहा हूं कि ये कत्ल है, और वो तीन लोग जो लाए गए हैं वो इसलिए क्योंकि पुलिस ने अभी दो दिन पहले उसके बेटे का एनकाउंटर किया और लोगों का एनकाउंटर किया, पुलिस पर वो आरोप ना लगे इसलिए तीन लोगों को किराए पर लाए, था वो भी एनकाउंटर ही, बस पुलिस ने नहीं किया, उन लोगों के माध्यम से कराया, इतनी सी बात। लेकिन सर योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं यूपी के अंदर कानून का राज है, और उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी निकाल दी, तो उसकी तारीफ करेंगे आप? नहीं, आप इसे कानून का राज कहेंगे? अगर सरकार ने इतनी बड़ी सुरक्षा दे रखी है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है, उसके बावजूद भी सरेआम मीडिया के सामने कत्ल हो रहा, तो क्या ये कानून का राज है? अगर यही कानून का राज है तो जब निजाम बदलेगा, जब सत्ता बदलेगी, फिर यही कानून का राज चलेगा, खुश रहोगे इससे? यही चाहते हो कि यही कानून का राज हो? आज तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम गुंडागर्दी दिखा रहे हो, कल जब ये सत्ता दूसरे हाथों में आएगी वो भी यही काम करेगी, उससे खुश रहोगे? अगर यही चाहते हो तो ये कानून का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है, ये गुंडों का राज है। और ये गुंडागर्दी जो चल रही है ये देश के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत बहुत दुखदाई होगी। नहीं, जंगल राज तो इससे बढ़िया राज होता, कहाँ जंगल राज है भाई? ये तो जंगल से भी खतरनाक राज है भाई। रामराज होगा, हाँ, तो रामराज में भैया जैसे शंभु ऋषि को मार दिया राम ने, अगर यही सब कुछ है तो भाई यही रामराज अगर चल रहा है तो भाई हम इस रामराज का विरोध करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, और देखें कैसे ये रामराज चलेगा, ये भी बता रहे, घोषणा कर रहे हैं आपके सामने। तो सर, छत्तीसगढ़ में अभी अटैक हुआ है और नक्सलियों का अटैक हुआ है, 11 जवान शहीद हुए हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं तो अपने प्रोग्राम में लग रहा हूं। अगर है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सरकार निपटे इससे। पर सर जिस तरह से योगी सरकार की जो कार्रवाई है उसको कानून व्यवस्था दुरुस्त बता रहे हैं वो लोग, तो इससे बहुत सारे लोगों में खुशी है, जश्न मनाया गया है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैंने तो देखा नहीं कहीं इस तरह की कोई बात हुई है, और अगर ऐसी है तो ये बहुत गंभीर स्थिति है कि सरकार द्वारा कराए गए कत्ल पर अगर आप लड्डू बांटेंगे, जश्न बनाएंगे, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब निजाम बदलेगा, जब सत्ता बदलेगी, तब क्या करोगे? तब भी लड्डू बांटोगे क्या? हो इस बात के लिए तैयार? लड्डू बांट ये जो सारी चीजें, और जो लोग लड्डू बांट रहे हैं तो उनके अपने लोग वो वही लोग हैं जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं। जो लड्डू बांट रहे हैं वो वही लोग हैं जिनका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, वो वही लोग हैं जिनका कानून में विश्वास नहीं है, जिनका जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता उनके हाथ में बनी रहे उसके लिए वो सारे काम कर रहे हैं, यही है सब। क्या अभी शाइस्ता परवीन जो फरार चल रही है उन पर जो है इनाम भी बढ़ाया गया है, तो क्या उनको कानून का साथ देते हुए सहयोग करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए? इस देश के हर व्यक्ति को कानून और संविधान के तहत काम करना चाहिए, हर व्यक्ति को, और वो सरकार हो तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर कोई नहीं करता है ये देश के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है। पर जिस तरह की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर सर आप क्या देखते हैं? क्या इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मुस्लिम है, इस वजह से उनको ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है? यार मुसलमानों को दिख नहीं रहा है क्या? ये बार बार कहनी पड़ेगी कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा, समझ में नहीं आ रहा? बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है, और ये उस समय किया जा रहा है जिस समय एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जो वो कहता पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने के लिए, उनकी भलाई के लिए नौटंकी की जा रही है, और यही पसमानदा मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा, फिर भी आपको नहीं दिखाई देता? और कुछ मुझसे दिखाने की कहने की जरूरत है? मेरे मुंह से ही कहलवाओगे आप? ये सब कुछ सबके सामने हो रहा, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। बात आपको समझने की है, अगर आप नहीं समझेंगे तो यही हाल रहेगा, और जो हो रहा है शायद इससे भी बदतर होगा। इसलिए हम बार बार लोगों को जगा रहे हैं, बार बार लोगों को बता रहे हैं कि 2024 के लिए ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए हमारे साथ खड़े होइए, और बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, नहीं तो देश की क्या बुरी हालत होगी आपकी कल्पना से बाहर। आप बार बार बड़े जानकार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्या लग रहा है जिन तीन लोगों ने गोली चलाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है, कानून सम्मत क्या? बस ये जो सरकार जो बात कर रही है, जो एनकाउंटर की बात करती है, ठोको नीति की बात करती है, तो सरकार के पास तो था ठोकी देना था वहीं के वहीं, भाई उन तीनों को वहीं ठोक देना था, क्या बात थी क्यों नहीं ठोका? क्यों? क्योंकि बाकायदा सरकार द्वारा कराया गया ये सब कुछ काम। नारे लगे, वो नारे किसी के भी लगा लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सतपाल मलिक जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 2024 का जीत गई तो देश बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। यार अब सतपाल मलिक जी कह रहे हैं तो तुम भी ये बात करो, मैं तो इतने समय से कह रहा हूँ, मतलब मेरी बात का कोई मतलब नहीं है, मैं इतने समय से कह रहा हूँ
कि बीजेपी अगर 2024 में जीतेगी उसका एक कारण है केवल ईवीएम। ईवीएम रहेगी तो जीतेगी, आप नहीं हरा सकते चाहे जितनी भी आप कुछ कोशिश कर लीजिए। ईवीएम हट गई, बैलेट पेपर से हो गया, तो 40 सीटें बीजेपी को नहीं आएंगी। और बीजेपी अगर जीतेगी तो सतपाल मलिक जी ने जो कहा है वो भी उनकी कल्पना में नहीं है, इस देश का इतना बुरा हाल होगा। मैं होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, 6 महीने में जीतने के बाद 6 महीने में ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी और इस देश में जो हाल होगा आपकी कल्पना से बाहर है। इसलिए बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2024 से पहले जागो, 2024 के चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंको। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है आज की तारीख में, यही तुम्हारा फर्ज है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर इसमें चूक गए तो फिर तुम चाहे जो करते रहो कुछ बचेगा नहीं। सर आपने सारी बातें की, आपने कहा कानून का राज नहीं है, आप कह रहे कि जुल्म हो रहा है, मुसलमानों टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपने अतीक को लेकर ये नहीं कहा कि अतीक माफिया था, उसने लोगों के साथ गलत किया, ये इसको आपने एक्सेप्ट। अगर कोई माफिया है या कोई भी है, या तुम भी माफिया हो या मैं भी माफिया हूँ, इस देश में संविधान है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है, उस आदमी को पुलिस ने पकड़ा, उस आदमी पर मुकदमे चल रहे, कोर्ट ने सजा की, तो काम कोर्ट का है या किसी चार गुंडे आके करेंगे काम? अगर इस तरह से होगा तो हर कोई हथियार उठा लेगा और हर कोई हथियार उठा के जिसको चाहेगा उसको ठोक देगा। तो ये कानून का राज चाहते हो? ये कानून का राज नहीं है, देश में संविधान है, कानून है, न्याय व्यवस्था है, उसके अनुसार जिसको जो दंड मिलना है, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो उसका काम है, उनका काम आप हाथ में लेके कैसे करेंगे भाई? मेरा मकसद सिर्फ ये है, किसी का इस देश में कसाब को फांसी की सजा हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं हुई? इतने लोग मतलब जितने कसाब ने मारे शायद ही किसी ने मारे होंगे, लेकिन बावजूद उसको उसको पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए उसको स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए, उसके लिए सेल बनाने के लिए, बावजूद उसके मुकदमा चलाया गया, मुकदमे का फैसला हुआ, कोर्ट ने सजा दी और उसके बाद उसे फांसी की सजा दी गई। ये है नियम कायदा कानून, इसी तरह से होगा, नहीं तो कोई भी किसी को मार देगा और फिर भैया ना तो पुलिस तुम्हारी सुनने वाली है ना अदालत सुनने वाली है। यही राज चाहते हो? बीजेपी वाले यही चाहते हैं। अगर आप यही चाहते हो तो आपकी इच्छा है। एनकाउंटर आज स्थापित हो गया, आपको लग रहा है? नहीं, एनकाउंटर चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, बट एनकाउंटर का मतलब ये नहीं, एनकाउंटर का मतलब यस, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये है, बताओ डॉक्टर साहब इनको, एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है, एनकाउंटर पहले डाकू होते थे, डाकू दोनों तरफ से गोली चलती थी, एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों आदमी के हाथ में हथकड़ी और कोई भी आदमी आगे उसको मार दे। और इस देश की पुलिस में, अब मैं कह रहा हूँ, इस देश के नेताओं में, इस देश की पुलिस में इतना कलेजा नहीं है कि आमने सामने बदमाशों का एनकाउंटर करने की हिम्मत भी कर सके। एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है, और किस तरह से मानते हैं हम, मारों में पकड़ के लाते हैं, कनपट्टी पर रख के गोली मारते हैं, उसे एनकाउंटर दिखाते हैं, एनकाउंटर होते हैं मुठभेड़, मुठभेड़ के लिए चाहिए कलेजा, और कलेजा है नहीं। असद का एनकाउंटर हुआ या हत्या हुई? स्वाभाविक है यार, उसकी हत्या की गई, पकड़ के उसे मारा गया है, सारी चीजें, केवल असद नहीं, जिन कितने लोग हैं जिनके साथ में सब कुछ हो रहा है रोज।